तो भाई लोग वेलकम बैक टू दी अनदर मोटो व्लॉग। तो स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं फिर से एक नई जगह और आज तीन लोग हैं, शिवम भी है, राजू भी है और मैं भी हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। ठीक है राजू भैया अपनी 204B से हो रहा, शिवम आगे जाते हैं, उसके पीछे बैठा है रोशन, राजू भैया पीछे उसके पीछे बैठा है लक्की और हम भैया अकेले। शिवम और रोशन कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं, मैं राजू भैया साथ साथ चल रहे हैं। तो भैया बीकापुर छोड़ आए हैं हम 10 किलोमीटर पीछे और ये बिलासपुर हाईवे है। राजू भैया आगे आगे चल रहे हैं मेरे, आराम आराम से जा रहे हैं अभी, हमें ज़्यादा कवर करने नहीं है, 50 किलोमीटर कवर करना है। वैसे भी ये रोड कुछ बढ़िया नहीं लगता है मुझे, इसलिए तेज़ नहीं चला रहा मैं। कोई सी नदी है, आई डोंट नो क्या नाम है इसका। तो भाई इस जगह से एक किस्सा जुड़ा हुआ है, वो भी मेरा और मेरी गाड़ी का। मंगलवार का दिन था और मैं राजू भैया मस्त जा रहे थे घूमने के लिए जहाँ आज हम जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरी गाड़ी का एक्सीलेटर वायर टूट गया और फिर हम फंस गए थे। और फिर जो गंदा फंसा था ना, फिर मेरी गाड़ी को रस्सी से बांध के ले के गए थे बीच के अंबिकापुर तक, फिर मैं नेक्स्ट डे बनवाने के लिए दिया था। इतनी प्रॉब्लम हुई थी भाई मेरे को उस दिन। कोई ना, ऐसी ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ से सड़कों की ऐसी तैसी होके रखी है भैया, लगे नहीं पता कैसी मिलेंगी यहाँ से। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इतना बना बना के छोड़ क्यों दिया है इन लोग। तो ये है लखनपुर, तो लखनपुर में आपका स्वागत है और ये कोई खूबसूरत सा तालाब अच्छा दिख रहा है। भाई साहब हो चुकी है टंकी खाली, देखो क्या लग रही है यार मेरे को तो इससे, जब जब देखता हूँ तब तब मेरे को प्यार हो जाता है। चलो चलते हैं आगे, कहना जाए लुक एट दिस व्यू। जब से हम घर से चले हैं ना भैया, ये तीसरा ब्रिज है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। थोड़ा सा और बचे बाद पहुँच जाएंगे हम अपनी मंजिल पे। ये पैच 1 किलोमीटर खराब है, उस टाइम भी खराब था जब हम आए थे फर्स्ट टाइम, फिर भी खराब है। फाइनली हम उदयपुर में पहुंच गए। तो रास्ते की खोज चल रही है अभी फिलहाल, हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, रास्ता पता नहीं रहता, उसके वजह से हम 1 घंटा हमारा वेस्ट हो जाता है। यही है ना, तो देखते हैं, बोला तो है किसी ने कि यही रोड है। ये है गेट, चलो। भाई चल रहे हैं, पीछे पहाड़ देख लो, उसके ऊपर अभी चढ़ना है, नहीं पता कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी हमें अभी। शिवम और रोशन आगे चले गए हैं, पहले जो हमारे राम भगवान वनवास जाते समय यहाँ पर विश्राम किए थे। बस वो वनवास वाली जगह में पहुँचने वाले हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को कैसी है जगह। तो बस चलते रहो साथ साथ, अभी तो काफी दूर जा रहे हैं और काफी ऊपर चढ़ना भी है। भाई 1000 सीढ़ी चढ़ने तो शुरुआत है, अभी से पैर दर्द करने लगा। जय श्री राम बोला, जोर से बोल जय श्री राम। आया आया, भाई पीछे का नजारा देख लो, राजू भैया चढ़ गए, अभी और ऊपर जाना है। भाई पीछे का व्यू जरा देख लो, क्या बेहतरीन दिख रहा है, क्या हवा चल रही है इधर, एकदम ठंडी ठंडी। आते टाइम तो बहुत गर्मी लग रही थी लेकिन अभी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, मजा आ रहा है भाई इधर। भाई साहब पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा और। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, बहुत दिन से मन था घूमने का बट हम नहीं आ पा रहे थे, मगर फाइनली हम आ गए हैं। उधर सीढ़ियाँ हैं उधर लेकिन हम गए नहीं, और अब सोच रहे हैं नीचे उतरे क्योंकि हमें जाना है काफी दूर। पीछे दिख रहा है ना भाई, वही मंदिर है और ऊपर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है,